बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी छठी बार जेल से चुनाव लड़ने को तैयार हैं। अंसारी के वकील दरोगा सिंह ने बुधवार को कोर्ट में प्रार्थना पत्र सौंप दिया है, जिसमें कहा गया है कि सदर के विधायक मुख्तार अंसारी इस बार सूर्यदेव भारतीय जनता पार्टी से अपना पर्चा दाखिल करेंगे। अगर कोर्ट से इस बात की इजाजत मिली है तो अंसारी को जरूर कागजात, शपथ पत्र आदि साइन करने होंगे। फिलहाल कोर्ट में इसकी सुनवाई जारी है और जल्द ही मऊ कोर्ट से अनुमति प्राप्त होने की उम्मीद है। वहीं सुबह सपा के जिला अध्यक्ष का कहना है कि अभी पार्टी द्वारा किसी को प्रत्याशी बनाने की सूचना नहीं दी गई है, लिहाजा इसके बारे में उन्हें कुछ नहीं पता। फिलहाल वो जनसंपर्क अभियान में लगे हुए हैं। बता दें कि विधायक मुख्तार अंसारी मऊ में बाहुबली के रूप में जाने जाते हैं। 2005 मऊ दंगे के बाद जब से वो जेल गए तब से हत्या सहित कई घटनाओं में उनका नाम आया, जिसके बाद विधायक पर तमाम धाराएं लगती चली गई। तब से लेकर अब तक वो जेल से ही चुनाव जीत रहे हैं। मुख्तार अंसारी सदर विधानसभा से पिछले 5 बार से लगातार विधायक हैं। अंसारी हमेशा अपनी प्रतिद्वंदियों से मामूली मतों से जीतते आ रहे हैं। मुख्तार हर बार अपने चुनाव की रणनीति बदल देते हैं, चाहे वो पार्टी से हो चाहे वो निर्दलीय। इस बार भी यही देखना दिलचस्प होगा कि छठी बार वो फिर से अपनी कमान संभालते हैं या हार उनके नसीब आती है।